डुमरी के बेरमो मोड़ के पास अब बुधवार को आजसू पार्टी का आजसू सेवा केंद्र का शुभारंभ हुआ। पार्टी के केंद्र अध्यक्ष सुदेश महतो ने केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर आयोजित उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आजसू पार्टी गरीब पिछड़ों की पार्टी है, इनकी सेवा करना पार्टी का लक्ष्य है। आजसू सेवा केंद्र खोलने के पीछे पार्टी का उद्देश्य महज सेवा भाव है। उन्होंने कहा कि ये केंद्र 7 दिन और 24 घंटे काम करेगा। इसके टोल फ्री नंबर पर किसी भी समय फोन कर अपनी समस्या लोग बता सकते हैं और सहायता मांग सकते हैं। आजसू कार्यकर्ता आपके दरवाजे पर जाकर सहयोग करेंगे। 24/7 हमने राजनीति को सेवा का आधार बनाया है। उसी चिंतन को बड़ा करने के लिए विधानसभा बार अपना आजसू का एक कॉल सेंटर हम सभी लोग भी तैयार कर रहे हैं और पहला इस प्रदेश का आज के दिन महात्मा गांधी जी के दिन हम लोग इसको स्थापित कर रहे हैं। डुमरी से ये 2400 घंटा लोगों के लिए खुला रहेगा। जब पूरी रात में भी कभी भी आवश्यकता के अनुसार लोग इस टोल फ्री नंबर पर फोन कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता का उल्लेख कर सकते हैं, सहयोग का उल्लेख कर सकते हैं। देवघर के अटल स्मृति पार्क में बिहार के पारंपरिक नृत्य झिझिया नृत्य का आयोजन किया गया। मौके पर समाज सेवी रीता चौरसिया शामिल हुई। उन्होंने कहा कि देवघर में पहला मौका है जो झिझिया नृत्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सखी सहेली झिझिया सखी सहेली का बैनर तले आप जितनी भी बहन को देख रहे सखी सहेली की बहन है। हम बहने हर बार कुछ ना कुछ सामाजिक काम करते हैं, उसी में हम लोग को एक बार हुआ कि झिझिया भी होना चाहिए। झिझिया हमारा बिहार का नृत्य है और हम इसको दुर्गा पूजा में करते हैं। हम अपनी नानी के साथ खेले हैं, अपनी माँ के साथ खेले हैं, तो एक दिल में उत्सुकता था कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग गुजरात से गरबा को आगे बढ़ा दिए, महाराष्ट्र डांडिया को आगे बढ़ा दिए और हमारा बिहार का जो झिझिया नृत्य है वो विलुप्त हो गया। ये भी तो दुर्गा पूजा में ही होता था। तो इसको लेके हम अपनी जब बहन को बोले तो बहन मेरे से ज़्यादा सखी सहेली की सभी बहनें उत्सुक थी और आप देख रहे हैं कि सारे बहन का किया हुआ है कि उन लोग इस सारी तैयारी इतनी जल्दबाजी में हम लोग किए। हम लोग जब घड़ा बनाने के लिए गए तो घड़ा वाले नहीं समझ रहे झिझिया क्या है, बैनर बनाने गए तो बैनर वाले नहीं समझ रहे झिझिया क्या है। तो इस बार हम लोग झिझिया छोटा ही रूप है लेकिन देखिए, लेकिन आपकी आप लोग की सहयोग मीडिया वाले लोग का रहेगा तो हर साल ये झिझिया बड़ा बैनर तले और बड़ा अच्छा से करेंगे। ये झिझिया विलुप्त होते जा रहा था, कोई इस झिझिया के बारे में समझता ही नहीं था, लेकिन यह बिहार की एक दुर्गा पूजा में माँ की आराधना होती है और हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इस बार इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे और झारखंड में भी लोगों को बताएंगे कि झिझिया क्या है। हमारी सखी सहेली के बहने उस बैनर तले हमारी बहनों ने इसका अभ्यास किया और आज हम लोग ने माँ की आराधना की और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बहनें घर से बाहर आके इस परंपरा को आगे बढ़ाने में लगी हुई। सभी बहनों को तहे दिलों से धन्यवाद। साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में अज्ञात अपराधियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। मंगलवार की आधी रात पश्चिम बंगाल फरक्का MGR ट्रैक पर बम विस्फोट हुआ जिससे पटरी क्षतिग्रस्त हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल है। स्थानीय पुलिस पदाधिकारी और NTPC के अधिकारी मामले की छानबीन में जुटे हैं। इसकी जानकारी ग्रामीणों को अहले सुबह उस वक्त मिली जब वहां से गुजर रहे थे। इसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना NTPC के कर्मियों और पुलिस अधिकारियों को दी। ग्रामीणों ने बताया कि उस ट्रैक से सुबह 6 बजे ललमटिया से फरक्का की ओर मालगाड़ी गुजरने वाली थी लेकिन उससे पहले ही ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक को देख लिया जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। जैसा कि आप लोगों को पता है कि NTPC की जो स्पेशल लाइन है जिसमें सिर्फ NTPC की गाड़ियां चलती हैं जो ललमटिया से फरक्का कोयला ले जाती है, उसको डैमेज किया गया है। यहाँ पे रेलवे लाइन टूट गई है। हम लोग ये जाँच कर रहे हैं, FSL की टीम भी आ रही है कि कैसे हुआ है, क्या हो रहा है, बाकी हम लोग जाँच के बाद ही बता पाएंगे क्या कारण है उसका। सर इसमें क्या इस्तेमाल किया गया सर? नहीं, ये तो FSL के जांच के बाद ही होगा कि अभी FSL की टीम आएगी वो जांच करेगी। कहीं ऐसा तो नहीं चुनाव के मद्देनजर इस तरह का कुछ? देखेंगे, हम लोग सारे एंगल पे देखेंगे। CISF के डिप्टी कमांड QIC साहब भी हैं हमारे साथ और हम लोग ज्वाइंटली देखेंगे इसमें क्या है और कोई अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कहीं सर इसमें कोई नक्सली का तो? नहीं, नक्सली का कोई साइड इनपुट नहीं है।